class. Welcome to online classes conducted by St. James School. Today I am going to teach History Civics of Class 9, Chapter 1, the Harappan Civilization. The Harappan Civilization is better known as Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization ki first site Harappan site thi. That's why we call it Harappan Civilization. सबसे पहले हम जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने के साधन क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। इन सोर्सेज में ग्रेट बाथ, सिटाडेल, सील्स, बियर्ड मैन, डांसिंग गर्ल एंड डकयार्ड्स, इन सब को देखने के बाद हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन आपके माइंड में ये आया होगा कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। हड़प्पन इज अ नेम, बट व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड सिविस, जिसका मतलब होता है, विच मीन्स समवन हु रिसाइड्स इन अ टाउन, वो जो कि किसी शहर या किसी टाउन में रह रहा हो उसे हम सिविस कहते हैं, और उसी से सिविलाइजेशन बनता है। सिविलाइजेशन को हम और तरीकों से भी देख सकते हैं, किसी जगह, किसी स्पेशल प्लेस की लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनका रिलीजन भी उस सिविलाइजेशन को दिखाता है। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ था सर जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग 3250 BC से लेकर के 2750 BC के बीच में माना जाता है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस भी है, जैसे रेडियो कार्बन मेथड्स के थ्रू बिटवीन 2500 BCE एंड 1750 BCE, और दूसरे अकॉर्डिंग मच्योर फेज इसका माना जाता है 2200 BCE एंड 2000 BCE। अब हम आते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो की जो जगह है वो कहाँ तक, इसका एरिया कहाँ तक है। लगभग इसके 250 सेंटर्स मिले हुए हैं, पाए गए हैं, फ्रॉम रोपर इन नॉर्थ टू वैली नर्मदा एंड तापी इन साउथ। रोपर जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर के नर्मदा वैली और तापी साउथ में, फ्रॉम मेर टू अपर गंगा इन ईस्ट टू सुपेंदर इन वेस्ट। इम्पॉर्टेंट साइट्स इसके कौन कौन से हैं, 250 साइट्स इसके खोजे गए हैं, मिले हुए हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो, जिसको जो कि एक सिंधी वर्ड से बना हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है मृतकों का टीला, और दूसरा है आपका हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम इसको जानते ही हैं, फर्स्ट साइट है। इसके बाद चौहुदरो, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर, ये सारे इसके अलग कई सारे साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जहाँ से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। अब हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट, अर्बन और टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सिटीज डेवलप हुई थी, जो टाउन बने हुए थे, वो अर्बन प्लानिंग पे डेवलप हुए थे, ग्रिड पैटर्न पे डेवलप हुए थे। हर स्ट्रीट के सामने स्ट्रीट ओपन होती थी, जो घर बने हुए थे उनकी खिड़कियाँ, उनके दरवाजे स्ट्रीट से होकर के निकलते थे। कॉर्नर पे जो घर बने होते थे वो राउंड शेप में होते थे, ताकि कार्ड वहाँ से पास हो सके, इजिली मूव कर सके वहाँ से। तो ये जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी, इम्पॉर्टेंट थी, मीन्स हम उसको आज भी इस मॉडर्न पीरियड में फॉलो करते हैं। टाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, लोअर टाउन एंड अपर टाउन। द मेन स्ट्रीट फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न, मेन स्ट्रीट जो होती थी वो ग्रिड पैटर्न में फॉलो होती थी। घर जो होते थे वो छोटे से बड़े होते थे, जो छोटे घर होते थे इनके वो सिंगल रूम्स के होते थे, बड़े घर होंगे 1 से 12, मीन्स 1 to 12 रूम्स होते थे, कोर्टयार्ड होता था, बाथरूम होते थे एंड किचन्स भी होते थे, बेल मीन्स कुआं भी होता था इनका अपना। किचन की जो फ्लोर होती थी, जो फर्स होती थी वो स्लैंटिंग फर्श बनाई जाती थी, ताकि पानी सीधा ड्रेनेज में जा सके। द ड्रेनेज सिस्टम, सेकेंड है ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट एग्जाम्पल था उनका। जो हर घर का ड्रेनेज जो था वो मेन स्ट्रीट से जाकर के निकलता था, और मेन स्ट्रीट के सारे ड्रेनेज शहर से बाहर खुली जगह पे ले जाकर के निकालता था, हर घर से ड्रेन निकलता था। ड्रेनेज जो थे वो सारे ढके हुए होते थे, कवर्ड होते थे, वो खुले नहीं होते थे, ताकि उनसे गंदगी ना निकल सके। और जो लोग वहाँ पे रहते थे वो कोई भी गार्बेज या डस्ट उस ड्रेनेज में नहीं डाल सकते थे, उनको अलाउ नहीं था। अब आता है सिविक ऑर्गेनाइजेशन। द इंडस पीपल लिव्ड इन वेल प्लान्ड टाउन, हमने
देखा कि इंडस पीपल जो थे वो वेल प्लान्ड टाउन्स में रहते थे, ड्रेनेज सिस्टम को फॉलो करते थे, द टाउन्स आर डेडिकेटेड एरिया फॉर वाटर सप्लाई। शहरों में टाउन्स में वाटर सप्लाई बहुत अच्छा सिस्टम था। द डिस्कवरी ऑफ लैम्प पोस्ट मीन्स सड़कों के किनारे लैम्प पोस्ट बने हुए थे, स्ट्रीट लाइट्स की अरेंजमेंट की, रविस वॉज थ्रोन इन टू द डस्टबिन, जो भी गार्बेज होता था, जो भी रविस होता था वो उसको डस्टबिन में डाला जाता था, यहाँ वहाँ सड़कों पर नहीं फेंका जाता था। तो मीन्स इनकी जो सिविक ऑर्गेनाइजेशन थी वो वेल डेवलप थी। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द पीपल, मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन को आर्ट एंड क्राफ्ट में कितना इंटरेस्ट था या उन्होंने कितना डेवलप किया था इस क्षेत्र में। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हमें ग्रैनरीज में मिलता है, द ग्रेट ग्रैनरीज मिली हुई हैं हमें, 6 ग्रैनरीज की 2 रो मिली है खुदाई में। और उसके बाद असेंबली हॉल, एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल भी मिला है जिसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किसी जब भी मीटिंग्स होती रही होगी तो इस असेंबली हॉल में लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ पे जो भी एक डिस्कशन होता था आपस में ये होता था। ग्रेनरीज वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्रेन स्टोर किए जाते थे और मोस्टली ये ग्रेनरी जो मिली है वो हमें डकयार्ड के पास ही मिली हुई है ताकि वहाँ से इनको ट्रेड किया जा सके। फिर उसके बाद मिलता है ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इज वर ग्रेट बाथ अनर्थित एट मोहनजोदड़ो, इसको हम मोहनजोदड़ो में हमें इसके साक्षी मिलते हैं। ग्रेट बाथ एक अ वेरी बिग स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चारों तरफ गैलरीज हैं और गैलरीज के बाद रूम्स हैं। ऐसा माना जाता है कि इन रूम्स को बनाया गया था क्लॉथ चेंज करने के लिए और ये स्विमिंग पूल या ये ग्रेट बाथ को बनाया गया था किसी रिलीजियस फेस्टिवल पे, कोई बड़े ओकेजन पे लोग यहाँ पे बात करने के लिए जाते थे। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनकी कला को, उनके आर्ट को दिखाता है कि वो बिल्डिंग्स जो बनाते थे, जो भी स्ट्रक्चर बनाते थे उसको कितना नीटली बनाते थे। आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मिनी स्टैचूज एंड फिगरिंग ऑफ मैन एंड एनिमल हैव बीन डिस्कवर्ड, कई सारे मैन और वुमेन के फिगर फिगरिंग मिले हुए हैं हमें खुदाई में, जिसमें ब्रोंज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रोंज फिगर मिला हुआ है, सॉल क्लैड योगी, ये हमें दिखाता है कि उनकी स्किल कितनी अच्छी थी। ब्रोंज पे उन्होंने एक डांसिंग गर्ल का फिगर बनाया पूरा, उन्होंने हैंड्स को उसने एक पे अपने रखा हुआ है, दूसरा हैंड साइड में। और जो दूसरा हमें एग्जाम्पल मिलता है सॉल क्लैड योगी का, वो एक योगी का फिगरिंग बना हुआ है, हाफ फिगरिंग है जिसमें एक योगी बैठा हुआ है और उसने सॉल डाल रखा है ऊपर। तो इससे हमें उसके क्लॉथ्स के बारे में भी पता चलता है कि वो किन कैसे कपड़े पहनते थे। आर्ट ऑफ कार्विंग, लगभग 2000 सील्स हमें इसकी खुदाई से, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई से मिलता है। 2000 सील्स में जो फिगर्स, जो पिक्चर्स बने हुए हैं वो उस समय की सोसाइटी, सोशल एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, रिलीजन को दिखाते हैं। जैसे कई सारे सील्स पे शिवा पशुपति, मोहनजोदड़ो में जो हमें सील्स खुदाई पे मिली हुई हैं शिवा पशुपति बने हुए हैं, जिनके चारों तरफ कई सारे एनिमल्स हैं, इसलिए हम गॉड को शिवा पशुपति का नाम देते हैं क्योंकि वो कई सारे एनिमल्स से घिरे हुए हैं, पशुओं से घिरे हुए हैं। आर्ट ऑफ पॉटरी, पॉटरी का भी इनको बहुत अच्छा नॉलेज था। ये जो पॉटरी बनाते थे वो ग्लेज्ड पॉटरी होती थी, चमकदार पॉटरी होती थी। एंड आफ्टर दैट आर्ट ऑफ पेंटिंग, इन्होंने कई सारे ऐसे पॉट्स बनाए जिसमें पिक्चर डिपिक्ट करी है, दिखा रहा है कि कोई इंसिडेंट इन्होंने दिखा दिया उस पॉट पे, तो इससे इनकी पेंटिंग स्किल भी उभर के आती है। सील्स एंड देयर इम्पॉर्टेंस, सील्स जो कि लगभग 2000 सील्स हमें मिली हुई हैं वो उस समय की सोशल कंडीशन को दिखाती है, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाती है और ये भी दिखाती है कि इसको वो अपने व्यापार में, अपने ट्रेड में भी इस्तेमाल करते थे। रिलीजन, मदर गॉडेस जिनको शक्ति का नाम दिया गया एंड सेकेंड पशुपत शिवा, मींस कुछ ऐसे फिगरिंग मिले हुए हैं हमें, कुछ ऐसे स्टैचूज मिले हुए हैं जिसमें मदर गॉडेस को दिखाया गया है कि उस समय शक्ति या मदर गॉडेस की पूजा होती थी। सील्स पे जो पशुपति शिवा की पिक्चर डिपिक्ट हुई है उससे हमें पता चलता है कि शिव की भक्ति भी लोग करते थे, शिव जी की भी पूजा करते थे, उसमें उनके चारों तरफ जानवरों को दिखाया गया है। इसके बाद
ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्यापार भी होता था, वो शहर के अंदर और शहर के बाहर भी होता था। ये ट्रेड सी रूट्स रिवर्स के थ्रू होता था। एक कई सारे इसके एग्जांपल हमें मिलते हैं कि इनका सुमेरियन या फिर मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमारे या इंडस वैली के कई सारे सील्स मेसोपोटामिया में पाए गए और कई सारे मेसोपोटामियन सील्स इंडस वैली में उसके साक्ष्य मिले हुए हैं। इससे हमें पता लगता है कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्शियल रिलेशनशिप बाहर के दूसरे देशों के साथ या दूसरी सभ्यताओं के साथ भी था। इन द लास्ट डिकेड एंड फॉल ऑफ द इंडस वैली आर हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिके कैसे हुआ? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि एपिडेमिक के कारण हुआ था, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि अर्थक्वेक आया था इस वजह से हुआ, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वेदर में चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, चारों तरफ डिजर्ट हो गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं पैदा हो रहा था और लोग मरने लगे। तो इस टॉपिक पे हिस्टोरियंस के जो मतभेद हैं वो अभी बने हुए हैं, किसी स्योरिटी पे हम नहीं पहुँच रहे हैं। तो फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिके हुआ, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमको बहुत बड़ा लेसन दिया, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया टाउन प्लानिंग, अर्बन टाउन प्लानिंग का, कि उस समय में भी अर्बन टाउन प्लानिंग को फॉलो किया।